नमस्कार, मैं रमेश परियार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज के इस वीडियो में हम ME-201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के यूनिट कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि लोड क्या होता है। लोड इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ एक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए मैकेनिज्म और इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर विच अराइजेज फ्रॉम द सर्विस कंडीशन इन विच द कंपोनेंट वर्क। कोई भी इंजीनियरिंग कंपोनेंट होता है, उस इंजीनियरिंग कंपोनेंट पर जो बाहरी बल लगते हैं, उन बाहरी बलों को हम लोड कहते हैं। तो जनरली हम इंजीनियरिंग में जो लोड होता है या जो फोर्सेस होता है, उन फोर्सेस या एक्शनल जो फोर्स होते हैं, हम उनको लोड कहते हैं। कॉमन लोड्स इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन आर डायरेक्ट एंड सीयर फोर्स। तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में किसी स्ट्रक्चर मेंबर पर या किसी मशीन एलिमेंट पर जो एक्शनल फोर्स या लोड लगते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट फोर्स और दूसरा होता है सीयर फोर्स, या जिसे हम हिंदी में कर्तन बल कहते हैं। अगेन, जो डायरेक्ट फोर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टेंशन फोर्स, एक होता है कंप्रेशन फोर्स। टेंशन फोर्स को हम हिंदी में बोलते हैं तनाव बल, जबकि कंप्रेशन फोर्स को हम बोलते हैं संपीड़न बल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट फोर्स क्या होते हैं। डायरेक्ट फोर्स जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स। जैसा आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्राम में यहाँ पर ये एक फोर्स और ये दो फोर्स लग रहे हैं। ये दोनों फोर्स जो है वो इस बॉडी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मींस इस बॉडी पर एक डायरेक्ट पुल है वो लग रहा है। तो इस टाइप का जो फोर्स है जो इस बॉडी पर लग रहा है, जो इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है और इस पर खिंचाव उत्पन्न कर रहा है, ऐसे बल को हम बोलेंगे टेंशन फोर्स या तनाव बल। जैसे इसका एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमें किसी क्रेन की सहायता से किसी वेट को लिफ्ट करना है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो टेंशन फोर्स है। मीन्स फोर्स परसेंट इन द लिफ्टिंग ऑफ ए हॉइस्ट इज द टेंशन फोर्स। दूसरा जो फोर्स है उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन फोर्स। यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज कंप्रेशन फोर्स। यहाँ पर ये जो बल है इस बॉडी पर, जो ये फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स इस बॉडी को ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिससे बॉडी पे एक ऐसा पुश लगता है या धक्का लगता है, जिससे इस बॉडी की लेंथ है वो कम होने की कोशिश करती है। ऐसे फोर्स को हम कंप्रेशन फोर्स या संपीड़न बल कहते हैं। ये जैसे हम इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के जो पिलर्स होते हैं उस पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा, वो जो फोर्स होगा उसे हम बोलेंगे कंप्रेशन फोर्स। मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन ए पिलर ऑफ ए बॉडी इज द एग्जांपल ऑफ द कंप्रेशन फोर्स। तो टेंशन और कंप्रेशन फोर्स के लिए हम दो तरह के साइन कन्वेक्शन काम में लेते हैं। टेंशन फोर्स को हम पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेशन फोर्स या संपीड़न बल को हम नेगेटिव लेते हैं। नेक्स्ट फोर्स है सीयर फोर्स या कर्तन बल। नाउ लेट अस कंसीडर द सिचुएशन वेयर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए ब्लॉक ऑफ ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स विच आर अप्लाइड रादर देन नॉर्मल टू द एरिया कंसर्न विच आर अप्लाइड पैरेलल। सच फोर्स आर एसोसिएटेड विद द शेयरिंग ऑफ द मटेरियल एंड आर रेफर्ड टू एज ए सीयर फोर्स। तो जैसा इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये जो फोर्स है इस बॉडी पर, ये फोर्स जो लग रहे हैं, ये जो फोर्स है इस बॉडी को स्पर्श करते हुए लग रहे हैं, और इस हम कह सकते हैं इस बॉडी के पैरेलल ये फोर्स लग रहे हैं। तो इस प्रकार का जो फोर्स है उसे हम सीयर फोर्स कहते हैं।
इस तरह का फोर्स है जो बॉडी की शेप को डिफॉर्म करने की कोशिश करता है और सरफेस के हमेशा बेंडर लगता है। द शियर फोर्स इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंटियल फोर्स एज इट इज एट टेंजेंटियल टू द एरिया। तो ये जो फोर्स है, ये जो शियर फोर्स है, ये शियर फोर्स चूँकि यहाँ पैरेलल टू द सरफेस लग रहा है, इसलिए हम इसको स्पर्शियबल भी कहते हैं। अतः शियर फोर्स या कर्तन बल का दूसरा नाम जो होगा वो टेंजेंटियल फोर्स या स्पर्शीय बल होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस। हिंदी में हम स्ट्रेस को कहते हैं प्रतिबल। व्हेन ए मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, ए रेजिस्टिंग फोर्स इज सेट अप विद इन द कंपोनेंट, दिस इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो जब भी किसी बॉडी पर कोई बाहरी बल लगता है, उस बल के विरोध में उस बॉडी के अंदर जो है एक अनोदर या प्रतिरोध बल उत्पन्न होता है, इस प्रतिरोध बल को हम स्ट्रेस कहते हैं। मीन्स बल के अगेंस्ट में जो बल की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बॉडी के अंदर जो प्रतिबल लगता है उसे हम प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्राम में ये बॉडी है, इस बॉडी पर ये एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है। यहाँ से इस टेंशन फोर्स के कारण, इस टेंशन फोर्स के कारण एक टेंशन फोर्स, एक ये टेंशन फोर्स, इस टेंशन फोर्स को यहाँ पर दिखाया गया है, इस टेंशन फोर्स के कारण बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है एक रेजिस्टिव फोर्स या प्रतिरोधी बल बॉडी के अंदर उत्पन्न होगा। इस प्रतिरोधी बल को हम स्ट्रेस कहेंगे। अगर इस प्रतिरोधी बल को हम यूनिट एरिया से डिवाइड करें तो इसको हम स्ट्रेस कहेंगे। अतः प्रतिबल या स्ट्रेस की डेफिनेशन हो गई रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिरोधी बल को हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये दिखाई गई है एसआई की यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। कई बार हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो फोर्स स्ट्रेस की यूनिट हम किलो पास्कल में भी लेते हैं, और 1 किलो पास्कल जो होता है वो 1000 पास्कल के बराबर होता है। इसी तरह से 1 मेगा पास्कल होता है वो 10^6 पास्कल के बराबर होता है, और 1 गीगा पास्कल होता है वो 10^9 मेगा पास्कल के बराबर होता है। यहाँ पर डायग्राम में ये एक बॉडी दिखाई गई है, इस बॉडी पर एक फोर्स पी लग रहा है, और अगर इस बॉडी का नॉर्मल एरिया मीन्स ये बॉडी जहाँ पर लग रही है उसके जो परपेंडिकुलर एरिया है, यहाँ के केस में ये एरिया जो होगा वो डिस्क का होगा π/4d2। तो इस बॉडी पर जो स्ट्रेस होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम देते हैं p/a से। p इज द फोर्स ऑन द बॉडी एंड a इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द फोर्स ऑफ द बॉडी। तो इन दिस वे द स्ट्रेस इज गिवन एज ए फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ द टाइप ऑफ स्ट्रेस। प्रतिबल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जनरली जो प्रतिबल होते हैं उन या स्ट्रेस जो होती है वो दो बेसिक टाइप्स की होती है, एक होती है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी होती है शियर स्ट्रेस। अगेन नॉर्मल स्ट्रेस जो है उसे हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो बेसिकली दो प्रकार की स्ट्रेस होती है, एक टेंसाइल, एक नॉर्मल स्ट्रेस, एक शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को हम हिंदी में बोलते हैं अभिलंब प्रतिबल, और शियर स्ट्रेस को हम बोलते हैं कर्तन प्रतिबल। ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है दैट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, टेंसाइल स्ट्रेस या तनाव प्रतिबल, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस या संपीड़न प्रतिबल। अदर स्ट्रेसेस आइदर आर सिमिलर टू दिस बेसिक स्ट्रेस और आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्ट्रेस, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस,
कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड सीयर स्ट्रेस टॉर्शनल स्ट्रेस एज एनकाउंटर्ड इन ट्विस्टिंग ऑफ हिसार. इन दो बेसिक स्ट्रेस के अलावा और भी स्ट्रेस होती है जो इन नॉर्मल स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेसेस का कॉम्बिनेशन हो सकती है. जैसे बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है वो टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन होती है. इसी तरह से टॉर्शनल स्ट्रेस जो होती है वो बेसिकली सीयर स्ट्रेस ही होती है जो कि किसी साफ्ट को ट्विस्ट करने पर या एंटन देने पर जो स्ट्रेस उत्पन्न होती है वो उस साफ्ट की टॉर्शनल स्ट्रेस होती है. नाउ अब देखते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस किस प्रकार की होती है. नॉर्मल स्ट्रेस को हम हिंदी में बोलते हैं अभिलंब प्रतिबल. जनरली इस नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. नॉर्मल स्ट्रेस इज द स्ट्रेस विच एक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया. नॉर्मल स्ट्रेस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस. तो नॉर्मल स्ट्रेस एक ऐसी स्ट्रेस होती है जो कि एरिया के परपेंडिकुलर काम करती है. जैसे हमने किसी बॉडी पर यहाँ पर ये फोर्स लगाया, अगर यहाँ पर फोर्स है तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा जो एरिया के परपेंडिकुलर लगता है, इस परपेंडिकुलर फोर्स के कारण बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं. ये नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल भी हो सकती है और कंप्रेसिव भी. अगर बॉडी पर लगने वाला फोर्स टेंसाइल फोर्स है तो जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे, और बॉडी पर लगने वाला फोर्स अगर कंप्रेसिव नेचर का है तो इससे जो स्ट्रेस उत्पन्न होगी वो कंप्रेसिव नेचर की होगी. नॉर्मल स्ट्रेस को हम मैथमेटिकली इस तरह से डिनोट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एरिया. तो फोर्स को हम एरिया से डिवाइड करने से हमें स्ट्रेस है वो मिलती है. टेंसाइल स्ट्रेस या तनावी प्रतिबल. टेंसाइल स्ट्रेस इज द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुल. एज ए रिजल्ट ऑफ इस देयर इज अ टेंडेंसी टू इंक्रीज इन द लेंथ. टेंसाइल स्ट्रेस किसी बॉडी में तब उत्पन्न होती है जब किसी बॉडी पर दो बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में दो टेंसाइल फोर्स या पुल या खिंचाव बल कार्य कर रहे हो और जिसके कारण बॉडी की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है. और ये टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होती है. दूसरी जो स्ट्रेस है जिसे हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस. स्ट्रेस इंड्यूस इन ए बॉडी व्हेन इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज अ टेंडेंसी टू डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी. तो कंप्रेसिव स्ट्रेस वह स्ट्रेस होती है जब किसी बॉडी पर दो बराबर लेकिन विपरीत डायरेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स या संपीड़न बल लगते हैं और उस बल के कारण जो है बॉडी की लेंथ में कमी होती है. तो ऐसे बल को हम कंप्रेसिव ऐसे स्ट्रेस को हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं. अगेन अगर बॉडी पर टेंसाइल स्ट्रेस होगी तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं. नेक्स्ट हम लेते हैं सीयर स्ट्रेस. व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग टेंजेंटली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू सीयर ऑफ द सेक्शन देन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज कॉल्ड सीयर स्ट्रेस. जब किसी बॉडी पर दो बराबर लेकिन विपरीत दिशा में फोर्स किसी बॉडी पर टेंजेंटली यानी कि उसकी उसके एरिया को स्पर्श करते हुए कार्य करते हैं तो इन फोर्स के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होती है उसे हम सीयर स्ट्रेस कहेंगे. और ये जो सीयर स्ट्रेस होगी वो इसका जो सेक्शन होगा उसको टीयर ऑफ करने की या उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी. जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये एक दो प्लेटें हैं जो कि रिविट से जुड़ी हुई है. अब इन प्लेटों पर अगर हम इस तरह से फोर्स लगाएं तो ये इक्वल और अपोजिट फोर्स है, दोनों विपरीत
डायरेक्शन में है, और ये जो है इन दोनों की जो सरफेस है और उन दोनों के सरफेस के जो है पैरेलल में काम कर रहे हैं। तो इन सरफेस के कारण क्या होगा कि बॉडी जो है यहाँ से सीयर हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगी, जिसे हम सीयर कहेंगे। तो इसके कारण जो स्ट्रेस होगी इसे हम सीयर स्ट्रेस कहेंगे। जनरली सीयर स्ट्रेस हम टेंजेंटल फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया से डिनोट करते हैं। अब इस डायग्राम में एक बॉडी है ए बी सी डी। इस बॉडी पर दो इक्वल एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर एक्ट कर रहे हैं। इन फोर्स के कारण जो बॉडी है वो डिफ्लेक्ट होके ए डी वन सी डी ऐसे जो हैचेस लाइन दी है, इस ऐसे जो है बॉडी विकृत हो जाएगी। तो उसकी जो स्ट्रेस होगी वो होगी फोर्स अपॉन एल। और जो स्ट्रेन होगी, स्ट्रेन को हम इस तरह से देंगे कि ये यहाँ पर जो है ये जो फाई है इसकी स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है, इसको हम देंगे डी डी वन अपॉन ए डी से हम इसकी स्ट्रेस, इसकी स्ट्रेन या विकृति को डिनोट करेंगे। अब पहले हम अपन देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेन और विकृति होती क्या है। स्ट्रेन व्हेन ए बॉडी, स्ट्रेन को हम हिंदी में बोलते हैं विकृति। व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स देयर आर चेंज इन द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। जब भी हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से बॉडी का जो डायमेंशंस है उसकी जो विमा है उसमें चेंज होती है। अगर उस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, और उस पर अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी लेंथ घटेगी। तो ये जो चेंज इन डायमेंशंस है और ओरिजिनल डायमेंशंस है उनका जो अनुपात होगा उसे हम स्ट्रेन कहेंगे। द रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस इज नोन एज स्ट्रेन। तो किसी बॉडी पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके डायमेंशंस में जितना चेंज होता है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशंस, इसको हम स्ट्रेन या विकृति कहते हैं। तो स्ट्रेन में भी टेंसाइल स्ट्रेन, अगर बॉडी पर लगने वाला स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस है तो जो स्ट्रेन होगी वो टेंसाइल स्ट्रेन होगी। कंप्रेसिव स्ट्रेन, बॉडी पर अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है तो जो स्ट्रेन होगी उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे। अगर बॉडी पर सीयर स्ट्रेस लग रही है तो जो स्ट्रेन उत्पन्न होगी उसे हम सीयर स्ट्रेन कहेंगे। एक टर्म्स हम और यूज़ करते हैं यहाँ पर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में किसी बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके वॉल्यूम या आयतन में कितना चेंज होगा डिवाइडेड बाय उसका ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर एक टेंसाइल फोर्स लग रहे हैं। इन टेंसाइल फोर्स के कारण यहाँ पर बॉडी का जो ये जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ इंक्रीज होगी लेकिन इसका जो डायामीटर है या इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर कम हो, डॉटेड पार्ट जो है उसकी विड्थ कम हो गई और यहाँ पर जो इसकी लेंथ बढ़ गई। तो बॉडी पर जब टेंसाइल स्ट्रेन लगती है तो उसकी लेंथ में वृद्धि होगी, और दिस लेंथ डेल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, इसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। इसी प्रकार से अगर बॉडी पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण बॉडी की जो डायमेंशंस है, पहले उसकी जो लेंथ है वो कैपिटल एल है। अब इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाने से इसकी जो लेंथ है वो डेल से कम हो गई, लेंथ कम हो जाएगी और इसका जो डायामीटर है या इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ डॉटेड पार्ट दिखाया गया है वो विड्थ है वो बढ़ गई। तो यहाँ पे लेंथ में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय लेंथ, चेंज इन दी लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। द डिक्रीज इन दी लेंथ ऑफ टू दी ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेन। इसी प्रकार से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगी वो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम होगी, और सीयर स्ट्रेन जो होगी वो ड्यू टू द
सीयर स्ट्रेस होगी। थैंक्स।